अब आपके सामने खिताब के लिए तशरीफ लाते हैं नौजवान दिलों की धड़कन कायदे यूथ फोर्स मुकर्रर इंकलाब हाफिज फैसल अफजल शेख सदर अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान अपने कायद का इस्तकबाल नारों के साथ हाथ बुलंद करके खींचिए। नाराए तकबीर नाराए तकबीर सरफरोश सरफरोश चांद रहेगा अल्लामा तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा अल्लामा तेरा नाम रहेगा मेरा मीर साजन मीर साजन मीर मीर मेरा मीर साजन मीर साजन मीर हिम्मत वाला जुर्रत वाला नाल में आला नाज में आला हिम्मत वाला जुर्रत वाला नाल में आला नाज में आला फैसल भाई कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं फैसल भाई कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान जिंदाबाद अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्या बादा रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी واهل العقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اما بعد كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غيور اهل حدیثوں آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ آج وقت کا جو تقاضا ہے آج وقت کی جو پکار ہے آج شہیدوں کے خون کا جو تقاضا ہے آج اتحاد امت کے جو بیانیے سامنے آنے چاہیے आज अहले हदीसों तुमने इस भरपूर तादाद में जमा होकर आलम इस्लाम को यह पैगाम आम कर दिया है कि आज अहले हदीस प्रोफेसर साजिद मीर हफीजाउल्लाह की क्यादत में मुत्तहिद और मुत्तफिक होके इस वतन अजीज में कुरान और सुन्नत की बालादस्ती के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इंशाल्लाह कुरान और सुन्नत की बालादस्ती की इस तहरीक में जमात का साथ दोगे जो जो कुरान और सुन्नत की इस तहरीक का हल दी है खामोश न रहे फैसल ने खुद खामोश रहने का दिए ना अपने साथ चलाने वालों को खामोश रहने देने का दिए ना हम बैठने के आदि हैं ना अपने साथ चलने वालों को बैठने देने के को रवा समझते हैं और जमात का साथ दोगे सब हाथ उठा के बवाजे बुलंद वादा करो कुरान और सुन्नत की इस जमात के इन उलमा का इन मशाइख का क़यादत का साथ दोगे कुरान और सुन्नत की तहरीक को पपा करोगे और याद रखना अल्लाह ने कहा आओ गर्म में ना बैठना सुस्ती ना करना गफलत ना करना बैठना नहीं हबे खरगोश के कि नींद के मजे मत लेना बढ़ते ही चलो कटते ही चलो बाजू भी बहुत कट रहे मंजिल पे डाले जाएंगे वो वक्त आने वाला है जब इस मुल्क में की फजाओं में परचम लहराएगा आमना के लाल का परचम लहराएगा चलोगे जमात का साथ दोगे और मैं जिस जमात का ये इतना सा नौकर और खादिम हूं मैं बात यह करने लगा था अल्लाह ने कहा कुन तुम खैरा उम्मा उन लोगों में से हो जाओ खैर वालों में से अल्लाह कैसे खैर वालों में से हो जाए अल्लाह ने कहा तामरून बिल मारूफ व तनहाउन अनिल मुनकर हां गली कूचों में फैल जाओ गली गली फैल जाओ शहरों में भागो
देहात में भागो, नगर नगर जाओ, मेरी तौहीद का डंका लहराओ, मेरे महबूब की अजमत का डंका लहराओ, मेरे कुरान की महकार से अपने वतन की फजाओं को महका दो। अल्लाह इसका बदला कैसे अता करोगे? अल्लाह ने कहा अगर मेरे दीन से वाबस्ता हो जाओगे मैं तुम्हें तुम्हारे नाम को तुम्हारे मुकाम को हयात जावदा अता कर दूंगा। आइए माजी के झरोकों में लेके जाना चाहता हूँ। सलाम हो इमाम बुखारी, आपकी कब्र पे अल्लाह करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। इमाम बुखारी के साथ बहुत सी माओ ने बच्चों को जन्म दिया होगा लेकिन आज उनमें से शायद किसी एक को भी वक्त का ये आज के दौर के लोग जानते हो लेकिन दीन की खिदमत का बदला अल्लाह ने इमाम बुखारी को इस सूरत अता किया है कि आज भी गली गली इमाम बुखारी के तस्करे हैं। आज भी हर मदरसे में काला काला रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद होती हैं। उससे पहले इमाम बुखारी की किताब खुलती है अल्लाह के रसूल का फरमान बुलंद होता है। आज भी तकरीब बुखारी में सीरत बुखारी के तस्करे होते हैं। गली गली नगर नगर अल्लाह ने अपने इस दीन के खादिम के नाम को बुलंद कर दिया है। मैं किस किस का तस्करा करूं? इमाम मुस्लिम हो, इमाम निसाई हो, अभी दाऊद हो, और माजी करीब में मुजाहिदीन मिल्लत और अकाबरीन मिल्लत जनाब इब्ने कय्यम की बात करूं, जनाब इब्ने तैमिया की बात करूं और जनाब इब्ने हंबल की बात करूं, हर रुकावट बर्दाश्त की, सीना तान के कोड़े भी खाए, जिंदानों में भी गए लेकिन कहा हम कट सकते हैं, हम मिट सकते हैं, रब के दीन पे कोई समझौता कर सकते हैं और वापियों से भी रब के दीन पे कोई समझौता कर सकते हैं। इंशाल्लाह दीन की हिफाजत करोगे और मेरे जवानों दीन की हिफाजत के लिए इस अकाबरीन जमात के समुंदर के साथ चलोगे। और याद रखो अकाबरीन की बात कर रहा था, इब्ने तैमिया हो, इब्ने हंबल हो, इब्ने कय्यम हो और जाओ वो तो बड़े दूर के नाम है, माजी बईद की बात कर रहा था, आ जाओ वक्त मुख्तसर है, माजी करीब में लेके आना चाहता हूँ। मैं कुर्बान जाऊं मुहद्दस असर जनाब सैयद सैयद नजीर हुसैन मुहद्दस देलवी, जनाब मोहम्मद वलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी, जनाब मौलाए मीर इब्राहिम मीर सियालकोटी, जनाब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी बतले हुर्रियत मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के पहले अमीर जनाब सैयद दाऊद गजनवी हो, मौलाना इस्माइल सल्फी हो, मौलाना दाऊद गजनवी हो, मौलाना मोहम्मद गोंदलवी हो, मियां फजल हक मरहूम हो, मौलाना मोइनुद्दीन लखवी रहमतुल्लाह अलैह हो, और मैं कैसे भूल जाऊं उन अपने हीरो को, उन शहजादों को, जो उन हीरो को जिन्होंने जमात के लिए, जिन्होंने दीन की अभियारी के लिए, जिन्होंने मसलक के लिए, जिन्होंने अजमत सहाबा के लिए, जिन्होंने हतम नबूवत के झंडे को बुलंद करने के लिए, जिन्होंने तौहीद का आलम बुलंद करने के लिए कहा और नौजवानों आओ मैदान में उतरो। हाँ आज ऐसे भी हैं जब भी कड़ा वक्त आया और जिहाद का वक्त आता है कहते जवानों तुसी अगे असी पीछे, मैं कुर्बान जाऊं अपनी क़यादत को, वक्ते शहादत आया कहा इमामत भी हम करेंगे, वक्ते शहादत आया मेरे शहादा ने मेरी क़यादत ने, उस कड़े वक्त में भी खून का नजराना खुद पेश किया, कारकुन इमामत में पीछे खड़े थे क़यादत में। और आओ इंशाअल्लाह रजीद ये फैसल अफजल शेख अपने रफ़क़ाए कार आमर सिद्दीकी के साथ, अपने रफ़क़ाए कार सलमान आजम के साथ, अब्दुल वहीद भट्ट के साथ, मोहसिन जवेद के साथ, सैफुल्ला कमीरपुरी के साथ, कसीम के साथ, इब्राहिम मुहम्मदी के साथ और अपने सारे रफ़क़ाए कार के साथ इंशाअल्लाह रजीद इस अजम का इजहार करता है कि मरकजी जमीयत के हताफ के हसूल के लिए जो हदफ मनहज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो हदफ मनहज कुरान और सुन्नत है, उसके लिए हम मैदान में उतरे हैं। जवानों साथ चलोगे? शहदा के मिशन की इंशाल्लाह हिफाजत करेंगे, साथ चलोगे? और इंशाल्लाह ये बात गवाह है, जमाना गवाह है कि जब भी इंशाअल्लाह तौहीद की अजमत का बुलंद करने का वक्त आया, यूथ फोर्स के जवान मैदान में उतरे
हतमे नबूवत का आलम बुलंद करने का वक्त आया। यूथ फोर्स के जवान मैदान में उतरे, अजमत सहाबा का आलम बुलंद करने का वक्त हो। यूथ फोर्स के जवान मैदान में हतमे नबूवत का मामला हो, हम मैदान में तौहीद का मामला हो, हम मैदान में वतन अज़ीज़ की सालमियत का मामला हो, हम मैदान में। और इस अज़म का इजहार करता हूँ प्रोफेसर साजद मीर साहब हाफिज़ाउल्लाह हाफिज अब्दुल करीम साहब की क्यादत में, इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे बढ़ोगे। और फिर ये मेरी शहादत है, आज मेरी सफों में, आज मेरी जवाब की सफों में शोहदा के वारस भी शामिल है, उलमा भी शामिल है, मशाइख भी शामिल है। ये काफिला आगे बढ़ेगा। और आपसे इजाजत चाहने से पहले, आओ जवान हो तो तुम भी अपने अज़म का इजहार करना। और मेरे बूढ़े मेरे सरप्रस्तो आपसे भी कहूंगा, जमात के लिए अपनी मोहब्बतों का इजहार करना। ये जमात बहता दारा है, ये बहता समुंदर है, इसमें बहोगे इज्जत होगी। और आओ तौहीद की अजमत के लिए, हतमे नबूवत के आलम को बुलंद करने के लिए, अजमत सहाबा के लिए, इस मुल्क में निफाज़े इस्लाम के लिए, इंशाल्लाह हमने जमात का साथ देना है। आज वक्त गाजा करता है, साजद मीर के साथ चलो और आओ, इंशाल्लाह बवाज़े बुलंद आपके साथ इस अज़म का इजहार करूंगा। और आपसे इजाजत चाहूंगा, नारा तकबीर, तेरा मीर मेरा मीर। और इंशाल्लाह मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान चमकती रहेगी, दमकती रहेगी। और इंशाल्लाह आपके तावन के साथ वो वक्त आएगा कि इस मुल्क में निफाज़े इस्लाम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। वाहिरु दावाना अलहम्द कारवाने दावते कुरानो हदीस मरकजे जमईया अहले हदीस पाकिस्तान।